तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश टेक यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड, आज का इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो दोस्तों एटीएम कार्ड से आप दोस्तों अपने पेटीएम के वॉलेट पे आप कैसे ऐड कर पाएंगे मनी, पैसा कैसे ऐड कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है। दोस्तों चलिए मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पे अपना मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल से जो है आपको अपना पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है। अगर दोस्तों आपके पास पेटीएम ऐप नहीं है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसे आप दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा या आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो पेटीएम ऐप को। और जैसे दोस्तों आप पेटीएम ऐप को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। तो दोस्तों आपकी इसका होम पेज में ही आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन, आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे बैलेंस एंड हिस्ट्री और पेटीएम बैंक है, यहाँ पे है एड मनी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे पेटीएम वॉलेट। तो यहाँ पे आपको टच कर देना है। अब दोस्तों जैसे टच करेंगे यहाँ पे आपको जितना भी आपको ऐड करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कट करके। यहाँ पे जो मेरा पेटीएम पर बैलेंस है भाई, यहाँ पे 9 रुपया है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चलिए मैं 10 रुपया कर लेता हूँ, नहीं 10 रुपया नहीं 11 रुपया कर लेता हूँ, 20 रुपया कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 11 रुपया टाइपिंग कर लिए हैं। इस तरह का आपको अगर जितना भी आपको यहाँ पर ऐड करना है अपने पेटीएम वॉलेट पे, तो यहाँ पे आपको टाइपिंग कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ओके कर लेना। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप ऐड, तो इस पर आपको टच कर देना है। अब दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे मैं ढेर सारे यहाँ पे देख लीजिए बैंक अकाउंट भी जोड़ चुका हूँ और एटीएम भी जोड़ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक फिर से बता देता हूँ कैसा ये जुड़ा जाता है और इससे पैसा कैसे ऐड किया जाता है एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से। यहाँ से आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है चूज करने का, तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड पर टैप कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपको कार्ड नंबर जो 16 डिजिट का आपका रहता है कार्ड पर, एटीएम कार्ड पर, वो आपको फिल करना है यहाँ पे। और एक्सपायरी जो रहता है आपका कार्ड के जो वैलिडिटी रहता है 1 मई 2025, 26, 22 उस कार्ड में लिखा रहता है, 16 डिजिट के नीचे ही वो लिखा रहता है। और यह सीसीवी जो है दोस्तों, ये दोस्तों कार्ड के पिछले साइड में रहता है, 3 अंक का रहता था। चलिए मैं यहाँ पे फिल करके आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पे अपना कार्ड नंबर जो 16 डिजिट का रहता है वो डाल चुका हूँ, एक्सपायरी भी डाल चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सीसीवी जो रहता है 3 अंक का वो भी डाल चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पे पर टैप कर लेना है। जैसे टैप करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पे जो आपका लिंक है बैंक अकाउंट से, उसमें एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे दोस्तों वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा मेरा आ चुका है, तो यहाँ पे दोस्तों चलिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ओटीपी आ चुका है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, यहाँ से पूरा बैक हो जाता हूँ दोस्तों, और फिर से पेटीएम ऐप को टैप करके ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक बार थोड़ा सा दबा के रखते हैं और पेस्ट पर क्लिक करके मेक पेमेंट पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारा पेटीएम वॉलेट में 11 रुपया जो है ऐड हो जाएगा। और आप तो देख पा रहे हैं दोस्तों हमारा फिर से मैसेज आ गया है यहाँ पे, सक्सेसफुली हो गया कि ऐड हो गया, इसका मैसेज आया है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ से मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो है पेटीएम वॉलेट में यहाँ पे हो चुका है 11 रुपया सक्सेसफुली, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर भी आपको जाके दिखा देता हूँ कि मेरा वॉलेट में दोस्तों पहले 9 रुपया था, अभी 20 रुपया हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने एटीएम कार्ड से पेटीएम के वॉलेट पे ऐड कर सकते हो पैसा। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।